हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं टेक्नो लेजेंड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो GTA San Andreas है, इसमें मोड है GTA 5 का और आप फ्रैंकलिन को देख सकते हैं और यहाँ इसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी देख सकते हैं आप। रोड वगैरह देखिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे चीट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे मैंने तो अभी पूरे देखे भी नहीं हैं। यहाँ से आप विंडशील्ड सिलेक्टर से आप कोई भी व्हीकल सिलेक्ट कर सकते हैं और मिशन सिलेक्टर, कार स्पॉन, वैसे बहुत सारे आपको जो है मोड मिल जाते हैं। आप इसके ग्राफिक्स देख ही सकते हैं, इसके ग्राफिक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल 4K EMB ग्राफिक्स मिल रहे हैं आपको, वो भी बहुत कम MB में। आपको ज़्यादा डाटा खर्च करना नहीं पड़ेगा, ओनली आपके 60 MB में जो है आपका मोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलते हैं अब हमारी स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है मोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपका जो है मोड इंस्टॉल नहीं हो पाएगा और आप ये सोचोगे कि ये कोई फेक वीडियो है। और आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए। हे फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये GTA San Andreas। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको एक GTA San Andreas डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इसमें जो मोड है ये, इसमें आप जो है GTA San Andreas लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर GTA San Andreas जो फुल वर्जन आता है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो GTA San Andreas लाइट है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जो है लाइट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ 200 MB के आसपास है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और दूसरा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐप की जिसका नाम है Z Archiver। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये वो ऐप है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको जहाँ पर जो फाइल डाउनलोड करी है वहाँ पर जाना है आपको, जहाँ पर यहाँ पर आपको ये जो फाइल मिलेगी GTA 5 मोड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। फ्रेंड, पासवर्ड ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से हमारी जो फाइल है फ्रेंड्स एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है फाइल जो फ्रेंड्स एक्सट्रैक्ट होने वाली है, ये हो चुकी एक्सट्रैक्ट। अब आपको जो है इस फोल्डर में जाना है, इसके अंदर से यहाँ से APK आपको इंस्टॉल करने लेनी है। मैं कर चुका हूँ तो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर आना आपको, यहाँ से आपको ये मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ से आपको जो फाइल्स लिखा है, फाइल्स यहाँ से लेके नीचे तक जितनी भी फाइल हैं सबों को सिलेक्ट कर लेना है। इन पर क्लिक करके नीचे तक जितनी भी फाइल्स हैं सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा आप, सिलेक्ट ऑल। आपको ध्यान रहे आपको ऊपर वाली जो सबसे ऊपर की है COM.ROSTA GTA 7 इसको नहीं करना है, बाकी सारी नीचे की फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देख सकते हैं आप ये, तो आपको फिर इधर जो 6-9 डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर की तरफ। आपको यहाँ से आपको कट पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर क्लिक करके डिवाइस मेमोरी में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, यहाँ से डाटा में जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके GTA San Andreas का आपको जो है फोल्डर ढूंढना है, GTA San Andreas का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अप्लाई टू ऑल फाइल्स पर क्लिक करिएगा, अगर आपने यहाँ क्लिक नहीं करा तो आपका जो है गेम वो नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिए आपको यहाँ पर अप्लाई टू ऑल फाइल्स पर क्लिक करना है, फिर आपको रिप्लेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये पूरा हो चुका है, अब आपको बैक में आना है और मैं आपको जो है गेम चला कर दिखाता हूँ। आपका मोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो फ्रेंड, जो है हमारा गेम चल पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक